नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा मिश्रा और आप देख रहे हैं जनसत्य न्यूज। बीएमसी के तोड़फोड़ के बाद कंगना रनौत जब अपने ऑफिस पहुंची तो अपने सपने को टूटा हुआ देखकर काफी निराश हो गई। कंगना ने अपने ऑफिस में करीब 10 मिनट बिताए, उन पलों में वो काफी भावुक नजर आई। आइए कंगना के मंदिर के 10 मिनट की कहानी बताते हैं। बीएमसी का बुलडोजर अपने ड्रीम ऑफिस पर चलने के बाद जब कंगना अपने ऑफिस पहुंची तो वो पल देखने लायक था। कंगना के साथ उनकी बहन और मैनेजर भी मौके पर मौजूद थी। यहां उन्होंने बीएमसी ने जो तोड़फोड़ की उसका जायजा लिया। अपने सपने के मंदिर का हाल देखकर वो जाहिर तौर पर निराश दिखी। कंगना की गाड़ी जैसे ही ऑफिस पहुंची, उनकी बहन रंगोली पहले उतरकर अंदर गई, जबकि कंगना कुछ मिनटों तक गाड़ी के अंदर से ही बाहर पसरे मलबे को एक टक देखती रही। कंगना वहां तकरीबन 10 मिनट तक रुकी, किसी तरह मलबे को लांघते हुए अपने ऑफिस के अंदर गई। वहां मलबे को देख उन्होंने बिजली पानी चलाने की भी कोशिश की। ऑफिस के अंदर कंगना बारी बारी ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पर गई। कुछ मिनटों तक वहां रुकने के बाद कंगना सीधे अपने गाड़ी में बैठी और बिना कुछ बोले, बेबाकी से बोलने वाली कंगना इस बार कुछ नहीं बोली। कंगना रनौत जब अपने ऑफिस से रवाना हुई तो उन्होंने अपने हाथ बांध रखे थे और चेहरा झुका रखा था, मानो कि वो कुछ कहना चाहती हो पर अपने ड्रीम ऑफिस की हालात देखकर वो कुछ नहीं बोल पाई। उनके चेहरे पर मायूसी साफ नजर आ रही थी। माना यह भी जा रहा है कि इस नजारे का मुआयना लेने के बाद कंगना अब आगे की कानूनी लड़ाई की तैयारी भी करेंगी। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।